वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफ। और आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो आज मैं आप लोगों के सामने कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड बिरयानी मसाला। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है तो शायद जल्दी जल्दी मैं कुछ मिस कर जाऊँ, इसलिए पहले से ही तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे ये देखिए, बिरयानी मसाला के लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है यहाँ पे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा जो कि नॉर्मल है, हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, और 1 टेबलस्पून शाही ज़ीरा, जायफल, छोटी इलायची 1 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब बड़ी इलायची, और यहाँ पे दालचीनी, फिर ये चक्रफूल और ये जावित्री, और यहाँ पे मैंने लिया है 5-6 तेज़पत्ता बे लीव्स, और ये लौंग, काली मिर्च, और यहाँ पे लिया है सूखा मिर्च 4-5 होगा, और फिर हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। तो आप चाहो तो ये मिर्ची के जगह पे आप मिर्ची पाउडर भी ले सकते हो, कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ले सकते हो, और यहाँ पे शाही ज़ीरा को भी आप स्किप कर सकते हो, प्लेन ज़ीरा भी ले सकते हो आप चाहो तो, या फिर दोनों में से कोई एक ज़ीरा भी ले सकते हो आप। तो पहले मैं इसको रोस्ट कर लूँगी, ड्राई रोस्ट। मसाला बनाने के लिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं एक साथ रोस्ट कर लूँगी, ड्राई रोस्ट कर लूँगी सबको। और रोस्ट करने के लिए अभी गैस को सिम करके करना है कि ताकि ये जल ना जाए। सात आठ मिनट तक सीम करके फिर करना है, रोस्ट करना है। तो ये लगभग भुन चुका है, अभी इसमें से एरोमा आने लगा है, तो ये भुन चुका है। अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी, तोड़ के फिर इसका पेस्ट बना लूँगी। छोटे पीसेस में कर लूंगी, थोड़े से ठंडी होने के लिए मैं छोड़ दूंगी इसे, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। ठंडा होने के बाद इसको मैं पाउडर बना लूंगी इसका। तो चाहे जितनी भी तैयारी कर लूँ, मैं कुछ ना कुछ भूलती ही रहती हूँ। तो सौंफ डालना मैं भूल गई थी, इसलिए अब अलग से मैं सौंफ को ड्राई रोस्ट करके बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लूँगी। तो अब ये ठंडा हो चुका है, इसे मैं ग्राइंडर में पाउडर बना लूँगी इसका। बिल्कुल बिरयानी के जैसा, बिरयानी बनाने के बाद जो खुशबू आता है वैसा ही खुशबू आ रहा है अभी इससे। मैं हल्दी भी मिला लूंगी इसके साथ। ये बन चुका है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।